अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही जो पढ़ते हो गीता में वो जीना है। ये पढ़ने के लिए नहीं मात्र, जीने के लिए। यो एवं वेदा स एवं भवति अनुलोम विलोम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्द्वं ह्रीः रचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोः नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और ये आसुर संपद दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। एक क्षण के लिए भी दम्भ नहीं, दर्प नहीं, अज्ञान और अहंकार से एक क्षण के लिए भी हम अभिभूत ना हो, पराभव को प्राप्त ना हो, एक क्षण के लिए भी उनका आदर ना करें। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम। इसका फिर विस्तार कहा है, दैवी संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है, इसको पूरे विस्तार से गीता में कहा है। पूरी गीता का सार दैवासुर संपद योगी है, एक एक शब्द में सारे सत्य समाहित है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। अब देखो, एक क्षण के लिए भी हमें दंभ आ गया तो हमारा योग खंडित हो गया, और जो खंडित हो जाता है, जो योग, जो यज्ञ, जो यज्ञोपवीत खंडित हो जाता है, उसको धारण नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो पहना नहीं जाता है, उसका योग खंडित हो जाता है जो दंभ करता है, दर्प करता है, जो नहीं है उसका प्रदर्शन, और जो है उसका प्रदर्शन, बोले दोनों ही नहीं करना, बस खाली भगवान का यंत्र बनकर के जीना है। जो है उसका भी प्रदर्शन नहीं, और जो नहीं है, है उसका तो है ही नहीं, ऐसा दिव्य जीवन का यह आधार है। दंभ दर्प अभिमान और क्रोध नहीं करना एक क्षण के लिए भी। अब इसकी तो सब अपने अपनी झांकी देख लो, भीतर झांक करके कितनी बार क्रोधित होते हो तुम, जरा सा कोई छेड़ दे एकदम से, क्या समझ रखा है, पता है मैं कौन हूं, पता है भाई तो आदमी है, मैं योगी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं आचार्य प्राचार्य हूं, मैं वैयाकरण व्याकरणाचार्य हूँ, दर्शनाचार्य हूँ, योगाचार्य हूँ, मैं इतने बड़े धन दौलत का स्वामी हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ। अरे भाई ठीक है, लेकिन जरा धरती पर भी टिकले भले आदमी। दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यम और कठोरता ने, कोई कठोरता नहीं किसी भी प्रकार की, इतनी दिव्यता, इतनी सरलता, इतनी तेजस्विता। अनुलोम विलोम बच्चों करो, रुक गए तुम तो बीच में ही, इच्छा नहीं है तो भी करना, इच्छा है तो भी करना, इच्छा नहीं है तो भी योग करना, और इच्छा है तो भी गलत काम, गुस्सा नहीं करना, एक बार भी गुस्सा नहीं करना, ऐसा बचपन से स्वभाव बनाना, इसलिए आपको बचपन में बुला लिया है। ये दुनिया की हवा बड़ी खतरनाक चल रही है, कातिल हैं हवाएं, जहरीली हैं हवाएं, इन कातिल और जहरीली हवाओं से बचा के रखने के लिए आपको एक सुरक्षित दिव्य वातावरण दिया गया है, डिवाइन एनवायरनमेंट, दिव्य वातावरण, दिव्य प्रशिक्षण, दिव्य ज्ञान, दिव्य योग, दिव्य जीवन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ऐसे तेजस्वी बनना है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छा प्रारब्ध, अच्छा पुरुषार्थ, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा वातावरण, ये सब मिलते हैं ना। तीव्र संवेग भीतर, मुझे ऐसा ही बनना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी भी दुर्गुण के साथ, किसी भी दुर्बलता के साथ, मुझे एक क्षण के लिए भी अभिभूत नहीं होना। इस देवासुर संग्राम में, ये संसार देवासुर संग्राम है, धर्म युद्ध है पूरा, इस धर्म युद्ध में मुझे
अधर्म से पाप से पराजित नहीं होना मुझे, अनुलोम विलोम ऐसे योगी बनना है। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, जो कुछ नहीं कर पाते, मैं कह मैंने बार बार कहा है 99 से लेकर 100% लाभ किससे होता है? प्राणायाम से, ओंकार गायत्री के ध्यान से हो जाता है। बस इसी को कर लो, सूक्ष्म व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, जिसका जितना सामर्थ्य है, इसमें सब समर्थ है। 100% लोग ऐसा कर सकते हैं, 100% लोग, 100%, 100% भाई बहन सब प्राणायाम कर सकते हैं, ये अनुलोम विलोम सब करो, अंतर्मुखी बनो। परान चिखान व्यतरण संभ्र तस्मात परान पश्यति नान्तरात्मा कश्चित धीर प्रत्यकात्मन क्षतावृत चक्षु अमृतत्वम इच्छा। बाहर का तो बहुत देखा है, भीतर के पट खोलो, अंदर के पट खोलो। ऐसी हमारी अखंड साधना होनी चाहिए, प्रचंड साधना होनी चाहिए, दिव्य साधना होनी चाहिए, हमारी देवत्व की साधना होनी चाहिए। ऐसी हमारी योग की साधना, वेद की साधना, ऐसी ऋषियों की पथ की साधना है। महाजनो ये न गता सपन था, अनुलोम विलोम ऐसे 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके आधा आधा 1-1 घंटे हमने करवाया। और इसलिए मैंने कहा जो बहुत ज्यादा किसी भी कारण से भूल हो गई तो सुधार कर लो। भूल सुधार क्या करो, सुबह 4 बजे उठ जाओ और 8 बजे तक योग करो। जितने भी रोगी हो चुके हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, जर्जरित हो गए, बुढ़े हो गए, वो दोबारा से खोया हुआ यौवन, खोया हुआ अपना बल, शक्ति, ऐश्वर्य, खोया हुआ ओज तेज दोबारा से पुनरे ही पुनः पुनः सारे जो वेद के मंत्रों में प्रार्थना की गई है, बल, ओज, तेज, शौर्य, पराक्रम मुझे पुनः प्राप्त हो। लेकिन पुनः प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी।